हाय हेलो बाद में होती रहेगी मुझे आपके साथ एक गेम खेलना है आपको मैथमेटिशियन बनाने का गेम आइए शुरू करते हैं अभी आपके स्क्रीन पे इंग्लिश के दो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं ए और बी अगर मैं इसके बीच में प्लस का सिंबल लगा दूं तो यह पूरा बन जाएगा ए प्लस बी अब मेरा आपसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूँ कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए ए प्लस बी की पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी तो आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है हमें पता है कि किसी भी नंबर

कोई बात नहीं अब मैं गेम का लेवल थोड़ा सा हाई करता हूं अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि अगर मैं इसी ए प्लस बी की पावर टू कर दू अब इसकी वैल्यू क्या होगी अब आपने इसको ध्यान से देखा कि ए की, ए प्लस बी की पावर टू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अरे 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 अरे, ये तो कोई फॉर्मूला है हाँ ये तो एक फॉर्मूला है जो आपने बचपन में पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको आपको याद भी होगा और आपको एक्सपेंड करना भी आता है कि कैसे करते हैं आप ये भी आपको आता था। तीसरा जवाब भी आपने सही दे दिया इसीलिए मैं गेम का लेवल और हाई करने जा रहा हूं। अब मेरा अगला सवाल आपसे है। अगर मैं फॉर्मूला मतलब हाँ। बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब लेकिन ये सबको याद नहीं होता जिनको याद है बहुत अच्छी बात है जिनको याद नहीं है वो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इसका मतलब है कि A plus B की A plus B में तीन बार मल्टीप्लाई मतलब और जब आप इसको एक्सपेंड करके तरीके से लिखेंगे तो ये बनेगा बन इसमें जीते होंगे थोड़े बच्चे इसमें हारे होंगे लेकिन अब मैं गेम का लेवल और ज्यादा हाई करने जा रहा हूं अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब मुझे बताओ हिम्मत है तो ए प्लस बी की पावर फोर की वैल्यू क्या होगी आह अब तो सारे घूम गए अब कोई जवाब नहीं दे पाएगा सोच सब लेंगे कि इसका मतलब ए प्लस बी की आपस में ही चार बार मल्टीप्लाई करना लेकिन इसको करिए खोलने में सबके घोड़े खुल जाएंगे नहीं पता लेवल हाई हो चुका है और सुपर हाई करने के लिए अगर मैं आपसे पूछ लू बता दो ए प्लस बी की पावर फाइव की वैल्यू क्या होगी अरे भैया आप तो तोते उड़ जाएंगे हिला डाला ना मैंने लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको मैथमेटिशियन बनाऊंगा इसका मतलब यह है कि आप इस ए प्लस बी की कितनी भी पावर हो एक्सपेंड कर सकते हो फॉर्मूला बना सकते हो जी हाँ आप बनाएंगे आपसे बात कर रहा हूँ ये सब आप बना सकते हैं पावर फोर हो पावर फाइव हो गए थ्री और टू पावर का फॉर्मूला बना है ये भी कैसे बना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा वो कितनी भी पावर हो सब कुछ आपको सिखाऊंगा और आप एट द एंड ऑफ द वीडियो बन जाएंगे क्या एक मैथमेटिशियन तो ध्यान से पूरी वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट समझते चलिए आइए इसके पीछे की कहानी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे एक मैथमेटिशियन सोचता है कैसे आपको वो चीज़ें सीखनी है सोचनी है और आपको फॉर्मूला बनाना है मजा आएगा बस देखते रहिए तो कहानी को मज़ेदार बनाते हुए जो चीज़ें आपको पता है वो तो मैंने बोर्ड पे लिख दी पावर जीरो वन टू थ्री फोर तक की वैल्यू आपको याद होंगी फॉमूले हैं लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं आपसे इससे बड़ी कोई पावर खुलवाऊं तो क्या आप खोल पाएंगे लेट सपोज़ मैंने आपसे पूछा कि भैया जी आप मैथमेटिशियन बोल रहे हैं ना ख़ुद को आप मुझे ज़रा ए प्लस बी की पावर एन मतलब कितनी भी ए प्लस बी की पावर सत्रह खोल के दिखाइए उसको एक्सपेंड करिए क्या आप खोल पाएंगे नहीं लिख पाएंगे समझ तो आप गए हैं कि ए प्लस बी की पावर सतराह का मतलब है कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई में सत्रह बार लिखो ब्रेकेट सतराह ब्रेकेट बनाओ फिर उनके आपस में मल्टीप्लाई कराओ फिर जो फॉर्म आएगी वो उसकी एक्सपायर्ड फॉर्म होगी लेकिन वो सब करने में कितना पेपर बर्बाद होगा कितना टाइम बर्बाद होगा कितनी मगजमारी करनी पड़ेगी और कितना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझ रहे हैं ना आप कितना सारा उसमें काम बढ़ जाएगा तो यहां पर आप फंस जाएंगे तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों सोचिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसे थ्योरम बना लें जिसको आप यूज करें और जिसको आप लगाएं किसी भी पावर में और वो एक्सपेंड हो जाए जी हाँ सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी तो क्या ऐसी कोई थ्योरम बनाई जा सकती है बिल्कुल बनाई जा सकती है नथिंग इज इम्पॉसिबल कौन बनाएगा आप बनाएंगे जी हाँ इसी वीडियो में बनाएंगे कैसे बनाएंगे आइए शुरू करते हैं उसको बनाते हैं तो देखिए हम उस थ्योरम का सबसे पहले नामकरण करते हैं उसका हम नाम रखते हैं आपने और मैंने मिलकर नाम रखा है उसका बायनोमियल थ्योरम जी हाँ वही आपके चैप्टर का भी नाम है आपके चैप्टर का नाम है बायोनोमियल थ्योरम बायनोमियल का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा कनेक्ट करो अपनी प्रीवियस नॉलेज से क्लास टेंथ के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था पॉलिनोमियल हिंदी में उसका नाम था बहुपद बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा पद मतलब एक से ज्यादा टर्म अब यहां पर बाय का क्या मतलब होगा बाय में ये जो बाय है ये आपने एक जगह और सुना होगा बाई आपने सुना होगा ठीक है साइकिल चलाई होगी बायसाइकिल मतलब दो टायर वाली दो पहिए वाली कोई मशीन ठीक है इसी तरीके से यहां पर भी बाय का मतलब है दो तो बायनोमियल का मतलब हो गया दो टर्म दो पद मतलब दो टर्म वाली थ्योरम हमने ये नाम रखा है अपने फॉर्मूले का अपने थ्योरम का क्यों रखा है क्योंकि हम किसकी पावर खोल रहे हैं हम दो ही टर्म की पावर खोल रहे हैं ए और बी की ए अपने आप में एक टर्म है बी अपने आप में एक अलग टर्म है दोनों पद हैं इन दोनों पदों को एक साथ हम लिखकर इनकी पावर खोल रहे हैं कभी जीरो कभी वन कभी टू कभी फोर कभी फाइव कभी सेवन कभी एट कुछ भी पावर खोल सकते हैं तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा बायनोमियल थ्योरम मतलब एक ऐसी थ्योरम जिसके अंदर हम दो पद की बायनोमियल को एक्सपेंड करेंगे उसकी पावर खोलेंगे बस आपके इस चैप्टर में बायोनोमियल थ्योरम में सिर्फ यही है पूरे चैप्टर में सिर्फ दो टर्म होंगे ए की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है बी की जगह कुछ भी नंबर कुछ भी टर्म कुछ भी पद हो सकता है इन दोनों की आपको सिर्फ पावर खोलनी है अब ये पावर कितनी भी हो सकती है हम फॉर्मूला बना लेंगे वो लगाएंगे और पावर खोल देंगे यही हमारा मकसद है और हम फिर पूरी तरीके से मैथमेटिशियन बन जाएंगे आप बनेंगे अब आइए उस फॉर्मूले को बायोनोमियल थ्योरम को बनाना शुरू करते हैं ध्यान से देखते रहिए मजेदार चीज है कैसे बनाएंगे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन से जी मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट योर के क्या आप ऑब्जर्व करते हो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न जी हाँ पैटर्न को आप कैसे समझते हो कितनी अच्छी आपके अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न को समझने की हर चीज में यूनिवर्स के कुछ ना कुछ पैटर्न छुपे होते हैं हर एक चीज में और बहुत ही कैलकुलेटिव मैनर में होते हैं ठीक है बहुत ही प्यारे तरीके से जो नेचर है इसके अंदर आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे तो हम भी अब कुछ पैटर्न को समझेंगे और कुछ अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे बनाएंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम उस थ्योरम को बनाएंगे आइए आपको समझाते हैं तो अब जो हम पैटर्न समझेंगे और जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको आप नोट कर लेना मैं आपको बताने जा रहा हूं ये चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग नोट कर लेना जैसे भी आप इसको समझ पा रहे होंगे वैसे ही यहां पर देखिए जितनी हमें नॉलेज पता है इसके अंदर अब आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या क्या लिंक क्या, क्या कड़ी से कड़ी मिल रही है ध्यान से देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ है हमने सबसे पहली चीज़ जो देखी जो नोटिस करी जो लिखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हमारे बाइनोमियल ठीक है इसकी या हमारे ब्रेकिट है जो हमारे ट्रम्स है

दो और तीन अच्छा जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है बात को कुछ समझ में आ रही है अब देखिए जब यहाँ पर ए प्लस बी की पावर थ्री थी तो अब कितने टर्म में ये एक्सपेंड हुई जरा देखो एक दो तीन और चार हाँ हाँ कुछ तो कड़ी से कड़ी मिल रही है दया यहाँ पर देखो अब एक बार और जब पावर चार है तो कितने टर्म आ गए एक दो तीन चार पाँच क्या अब आप कोई कड़ी मिला सकते हैं बताइए क्या पैटर्न यहां पर बन रहा है क्या ऑब्जर्व आपने किया आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं नहीं बनाऊंगा मैं नहीं बताऊंगा ना ही मैं बनाऊंगा देखिए जो आपने ऑब्जर्व किया वही मैंने भी नोटिस किया कि यहां पर ये जो एक्सपेंड फॉर्म आ रही है ये कैसी आ रही है इसमें कितने टर्म है जो पावर है हमारी उससे एक ज्यादा टर्म आ रहा है हमेशा यही हो रहा है देखिए पावर जीरो थी तो नंबर ऑफ टर्म कितने आए एक आए पावर टू वन थी तो नंबर ऑफ टर्म टू आए पावर टू थी नंबर ऑफ टर्म थ्री आए मतलब जितनी हमारी पावर है नंबर ऑफ टर्म क्या है उससे एक ज्यादा है अगर पावर थ्री है नंबर ऑफ टर्म्स फोर अगर पावर फाइव होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सिक्स होंगे जी हाँ, इसका मतलब हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स पता चल चुके हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने समझ लिए देखा आपने ये चीज आप नोट कर लेना कि हमेशा इस बाइनोमियल थ्योरम का जो हम यूज करेंगे इसके अंदर जो भी पावर होगी हमारे इस एक्सप्रेशन की उसकी जब हम एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे तो वो एक्सपेंड फॉर्म के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे पावर से एक ज्यादा होंगे पावर फोर थी ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टर्म बन गए इस तरीके से अगर मैं ए प्लस बी की पावर सत्रह खोलूंगा तो उसके अंदर नंबर फॉर्म्स कितने होंगे 18 होंगे यस समझ में आ गई बात चलिए पहली बात हमने इसके अंदर ये ऑब्जर्व कर ली है अभी बहुत कुछ ऑब्जर्व करना बाकी है इसमें देखते रहो अब दूसरी बात की बात करते हैं अगली चीज जो ऑब्जर्व करने वाली इसके अंदर है वो है इसके टर्म्स की पावर जी हाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे ए की पावर जो है ना वो हर एक टर्म में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टर्म पावर कम होती चली जा रही है जी हाँ ध्यान से देखिए पहले सबसे पहले ट्रम में ए की पावर फोर है अगले में एक की पावर थ्री हो गई फिर एक की पावर टू हो गई फिर वन हो गई और फिर ए पूरा गायब हो गया मतलब ए की पावर जीरो हो गई ख़त्म हो गया ए इसी तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे इसके अंदर एक की पावर थ्री थी ए की पावर टू हुई फिर पावर वन हुई और फिर ए गायब हो गया इसमें भी देख लो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है एक की पावर टू है एक की पावर वन है और ए गायब हो गया एक की पावर वन है अगले ही टर्म में ए गायब हो गया और a तो इसमें है ही नहीं तो आपने क्या देखा कि a की पावर हर एक टर्म के बाद कम होती चली जाएगी इसका मतलब अगर मैं वही अपना एग्जांपल सोच के चलो अगर मैं a b की पावर सत्रह को खोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा सबसे पहले टर्म में क्या आएगा a की पावर सत्रह, फिर a की पावर सोलह, इस तरीके से कम होती चली जाएगी 15 14 12 13 13 12 इस तरीके से जो भी उल्टी गिनती होगी वो चलती चली जाएगी ये बात हमको पता लग गई इसी को हमने ऑब्जर्व करके ये वाला निष्कर्ष भी निकाल लिया है सिर्फ एक की बात नहीं बी में भी कुछ झोल है जी हाँ बी की पावर अगर आप देखेंगे एक की इधर से कम हो रही है और बी की इधर से कम हो रही है जी हाँ ध्यान से देखिए सबसे पहले देखिए बी की पावर यहाँ पर फोर है फिर थ्री हुई फिर टू हुई फिर वन हुई और फिर बी गायब हो गया ठीक है तो इधर से बी की कम हो रही है और इधर से ए की पावर कम हो रही है ऐसे ही देखो अगली एक्सप्रेशन में देखो बी की पावर क्यूब है फिर स्क्वायर हुआ फिर वन हुई और फिर बी गायब हो गया बी की पावर स्क्वायर है फिर बी की पावर एक बी गायब बी की पावर वन है बी गायब और बी गायब तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एक्सप्रेशन के अंदर बी की पावर जो है वो अगर इधर से हम देखेंगे तो इधर से बी की पावर कम होती चली जाएगी और इस साइड से ए की पावर कम होती चली जाएगी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम है तो दूसरा तरीका बता देता हूं जी हाँ मैथ्स में एक ही बात को समझने के बहुत तरीके होते हैं दूसरा तरीका आप ऐसे समझ लो कि अगर आप इधर से ही देख रहे हो तो इधर से अगर आप देखोगे तो की पावर तो कम होगी और बी की पावर बढ़ेंगी जी हाँ इधर उधर नहीं करना मत करो एक ही जगह खड़े रहो तो इधर से अगर मैं देखूंगा तो ए की पावर जो है वो कम होती चली जाएंगी और बी की पावर बढ़ती चली जाएंगी देखिए दोबारा से एक्सप्रेशन देखिए ऑब्जर्व करिए बस बैठे बैठे और क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं करना ए की पावर है फोर और बी यहां पर नहीं है मतलब बी की पावर है यहां पर खत्म भी नहीं है अब देखिए की पावर हुई थ्री एक कम हुई बी की पावर एक बी आ गया ठीक है अगले में बी की बढ़ेगी A की कम होगी तो ए तीन से दो हुआ और बी एक से दो हुआ ठीक है दोनों दो दो हो गए ए कम हुआ बी बढ़ा अब अगले में देखिए ए की पावर टू से वन हो जाएगी कम हो जाएगी और बी टू से थ्री हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा देखा आपने और इस तरीके से फिर ए बिल्कुल खत्म हो गया और बी जो है वो तीन से चार हो गया तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट जो लिखने वाला है वो मैंने यहां पर लिख दिया है तो आप भी अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ पा रहे हैं वैसे लिख देना मैंने पर लिख दिया है आपकी हेल्प के नोट्स बनाकर छोड़े थे साइड में कि दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व करा आपने की पावर ऑफ ए जो है वो डिक्रीजिंग मतलब वो कम होती चली जाएगी इधर से इधर तरफ फड़े वो पावर ऑफ बी बी की जो पावर है वो कैसी है वो बढ़ती चली जाएगी ये बात भी हमने यहाँ पर नोटिस कर ली है तो दो बातें हमने नोटिस कर ली है अब क्या कुछ और भी नोटिस करना है जी हाँ बिल्कुल करना है क्यों क्योंकि पर इन ए और, और चार हो गए। तो ये कैसे बड़ घट रहे हैं इनको भी तो सोचना पड़ेगा ना ये भी आपको बताऊंगा तीसरा लास्ट पॉइंट ये है उसके बाद फिर हम आगे की चीजों को सीखेंगे एक चीज और यहां पे मैं आपको बताता चलू एक्स्ट्रा में हर एक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म में जी हाँ हर एक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के अंदर ए और बी की दोनों की पावर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो वो पावर हमेशा इस वाली पावर के बराबर होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत फॉर्मूला बना रहे हैं ठीक है थीके? फिर आप बढ़िया वाले मैथमेटिशियन नहीं है देखिए आप खुद देख लीजिए ये मैं कोई रटवा थोड़ी रहा हूँ आपको आपकी आंखों के सामने है दूध का दूध पानी का पानी आप खुद देख लो यहाँ पर देखो ए की पावर यहाँ पर इसकी पूरे बेड की पावर फोर है ए की पावर फोर है तो इस ट्रम के अंदर पावर फोर है अगले ट्रम में देख लो ए की पावर थ्री है बी की पावर वन है तो थ्री और वन कितनी पावर हो गई फोर पावर हो गई अगले ट्रम में देख लो दोनों की दो दो पावर है तो दो दो कितने हो गए चार हो गए पावर फोर है यहाँ पर देख लो इसकी पावर तीन है इसकी पावर एक है तो पावर टोटल कितनी हो गई फोर हो गए और यहाँ पर बी की पावर फोर ऑलरेडी है यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक ट्रम की जो पावर का सम होगा ए और बी की वो हमेशा जो हमारा सवाल है उसकी पावर के बराबर ही रहेगा होगा उससे कम या ज्यादा नहीं होगा इसमें देख लो क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब है दो पावर एक पावर मिलकर बन गई क्यूब दो पावर एक पावर मिलकर बन गई क्यूब और एक पावर यहाँ पर पूरी की पूरी क्यूब है ठीक है दो पावर दो पावर ए और बी की एक एक पावर मिलकर बन जाएंगी दो पावर और स्क्वायर है समझ में आ रही है बात एक पावर एक पावर तो यहाँ पर दोनों की एक एक पावर है अलग अलग स्ट्रम की, की भी एक पावर स्ट्रम की भी एक पावर और इनकी टोटल पावर ही वन है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन की पावर है ठीक है वही पावर हमारे हर एक टर्म की भी कंबाइंड होकर ए और बी की जो हमारे दोनों टर्म है उनकी होगी ऑल राइट इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है अब जो आपने जितनी नॉलेज अभी तक जितना ज्ञान अर्जित कर लिया है तो अब आप ये चेक करो कि आप थोड़े बहुत मैथमेटिशियन बने या नहीं बने जी हाँ थोड़े बहुत तो बन गए हैं आपको प्रूफ दे देता हूं जो बोला है वो करवा के जाऊंगा अगर वीडियो आप पूरी देखते रहोगे तो थोड़े बहुत आप बन गए अब आप ए प्लस बी की पावर फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी निकाल सकते हैं लेकिन निकाल ज़रूर सकते हैं तो जितनी नॉलेज आपने ली अब पावर फाइव है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है ए की पावर कितनी आएगी फाइव आएगी इतनी बात आपको समझ में आती है और इससे अगले टर्म में ए की पावर कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी और बी एंट्री मार लेगा जी हाँ क्योंकि बी यहाँ नहीं था तो बी की पावर यहाँ पर कितनी होगी सिर्फ वन होगी क्योंकि इनकी मिलके दोनों की पास रहनी चाहिए तो ये हमने बना लिया ए की ए प्लस बी की पावर फाइव खोल रहे हैं आप ये देख लो आप कहाँ से टू तक का आपको याद तो रहा आप फाइव खोलने लग रहे हो तो थोड़े बहुत तो बन रहे हो आप ठीक है आगे बढ़ेंगे अब अगले टर्म में पता है ए की पावर कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी और बी की पावर बढ़ जाएगी ठीक है बी बढ़ाते जाओ ए कम करके कम करते जाओ और इस तरीके से फिर और आगे बढ़ूंगा ए की और कम होगी बी की जो है और ज़्यादा कितनी होगी बढ़ जाएगी अब बी की तीन हो जाएगी फिर मैं और आगे बढ़ूंगा और

ये छः जी हाँ देखा बन गए थोड़े थोड़े तो थो बन गए आप यहां पर पांच पावर थी छः ट्रम बन के आए निकल के आए अब खेल है सारा ही, नंबर्स का यहां कौन से नंबर आने चाहिए ये मैं आपको बताता हूं अभी तो मैं लिखता हूं फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इन नंबर्स को लिखना है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो नंबर आएगा यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपका आएगा पाँच और यहाँ पर आएगा दस यहाँ पर भी आएगा दस यहाँ पर फिर से आएगा पाँच और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर फाइव का क्या ए की पावर फाइव प्लस फाइव ए की पावर फोर बी प्लस जीरो पूरा फार्मूला पढ़ लेना अब सवाल ये उठता है आपको टर्म्स लिखना आ गए आपको पावर समझ में आ गई कितने टर्म लिखे जाएंगे किस पर कितनी पावर लगेगी ए की पावर कैसे शुरू होंगी कैसे ख़त्म होंगी बी की पावर कैसे शुरू होंगी कैसे ख़त्म होंगी ये सब आपको आ गया ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट आप मैथमेटिशियन बन गए लेकिन ये नंबर और सिखा दो सर ये नंबर आपने पाँच दस, दस दस पाँच कैसे लिया है एक चार छः चार कैसे लिया है इनके पीछे का खेल सिखा दो आइए अब यही वाला खेल हम सीखते हैं इस खेल को सीखने के लिए हम क्या करेंगे हम इन नंबर्स को अलग से नोटिस करेंगे क्योंकि ए प्लस बी का जो हमें सीखना था वो हमने सीख लिया अब बारी है नंबर को ऑब्जर्व करने की मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन के क्या आप ऑब्जर्व कर पाते हो और अंडरस्टैंडिंग पैटर्न कैसे आप पैटर्न को समझ पाते हो तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए और पैटर्न को समझने के लिए आइए इनके नंबर्स का हम फिल्टर लगाते हैं

करा, यहाँ पे एक एक करेगा तो इस तरीके से वन और वन लिख दिया मैंने ऐसे यहां पे देखो यहां पर वन टू वन तो वन टू वन यहां पर क्या है वन, थिरी, थिरी, वन, तो वन, थिरी, थिरी, वन, इस तरीके से जो भी ट्रम के साथ है, वन, फोर, सिक्स, फोर वन, वन, फोर, सिक्स, फोर, वन और यहाँ पर वन फाइव टेन टेन फाइव वन वन फाइव टेन टेन फाइव वन मैंने लिख दिए हैं अब दोबारा से वही चीज़ जो दो बातें मैंने आपको बताई है क्या एक ऑब्जर्वेशन वाली बात और एक आपकी पैटर्न वाली बात तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है इसमें क्या कनेक्शन है इसमें से लिंक निकालो देखिए <coughs> अब हम लिंक निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जब पावर जीरो है तो सिर्फ वन आ रहा है जो टर्म है जो कोई टर्म के साथ वाला वो सब क्या है वन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी वन से क्या हो गया इसी वन से ये वाला वन आगे बढ़ जाता है और इसी से ये भी बढ़ जाता है चलिए जी ठीक है अब एक है तो आगे भी एक ही एक कैरी होगा लेकिन अब और आगे जरा अगर हम बढ़ेंगे तो हमें आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट होंगे कहते तो सिग्नल सिग्नल ऐसे कि यहाँ पर सबसे पहले वन का वन कैरी हुआ एज़ इट इज़ ठीक है और जो हमें बीच का टर्म मिला मतलब टर्म के साथ वाला को मिला वो कैसे मिला वो इन दोनों वन को प्लस करके मिला इस तरीके से टू वन प्लस वन टू आ गया और फिर एंडिंग भी हमारी एज इट इज हो गई अब और आगे बढ़े हमने क्या देखा हमने देखा हाँ यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है क्यों क्योंकि वन का तो एज इट इज वन आगे बड़ा है जो पहला को है लेकिन ये जो बीच के मिले इन दोनों को प्लस करके हमें तीन मिला दो रेक तीन फिर दो रेक तीन और एक का एक इट इज आ

कहाँ पर पावर लगेंगी आपको ये पता लग गया कितने टर्म्स आएंगे मतलब जो भी पावर आप खोल रहे हैं उसमें कितने टर्म आएंगे ये आपको पता लग गया कहाँ पर किस तरीके से एक ही पावर बढ़ेगी बी की कम होगी आपको ये पता लग गया और उन टर्म के साथ कौन सा कोएफिशिएंट कौन सा नंबर लिखना है वो आपको इससे पता चल गया इसी को अगर आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ये पावर फाइव का है आपको पावर सिक्स का निकालना है तो आप पावर सिक्स का भी निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे आप वन तो एजीज लिख देंगे फिर इन दोनों को जोड़ के पाँच और एक छः दस और पाँच पंद्रह दस और दस बीस दस और पाँच फिर से पंद्रह पाँच और एक छः और एक का एक तो ये आपके टर्म आएंगे जब आप पावर सिक्स खोल रहे होंगे और एक बात और देखिए जब आप पावर सिक्स खोलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे पावर से एक ज्यादा मतलब सात आने चाहिए तो क्या ये सात है गिनो जरा एक दो तीन चार पांच छः सात Yes, ये तो साथ है सब कुछ फिट हो रहा है आप तो मैथमेडिशियन बन रहे हैं तो अब आप कोई सी भी पावर खोल सकते हैं ठीक है जैसे कि आपने ये छः की खोली और आगे बढ़ेंगे सात की पावर भी खोल देंगे अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो हमारे ट्रम होंगे ए और बी उनके साथ क्या कोएफिशिएंट निकालना है क्या लगाना है वो आप यहाँ से निकाल के लिख देंगे और ए और बी की क्या क्या कैसे कैसे पावर आएंगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इससे पहले बता चुका हूँ तो आप अब कोई सी भी पावर खोल सकते हैं बट क्या बट एक प्रॉब्लम अभी भी है जी हाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया a प्लस बी की पावर सत्रह को आपको एक्सपेंड करना है प्रॉब्लम क्या है अब तो आपको पता है आप यहाँ से नंबर निकालेंगे तो आपको पता ही है ए और भी किस तरीके से आएंगे सब कुछ आप लिख देंगे लेकिन बहुत मुश्किल है अभी भी क्यों मुश्किल है देखिए समझिए सत्रह का मतलब है ये है भैया पावर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर आप सेवन के निकालेंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्स सेवनटीन एइनटीन नाइनटीन इस तरीके से आप सत्रह तक जाएंगे तो आप तो बहुत नीचे चले आएंगे, जी हाँ इसका मतलब अभी भी बहुत लंबा काम हो जाएगा क्या आप पूरी ये टेबल ये पूरा कुछ बनाएंगे नहीं अगर ये बना के करेंगे फिर वही बात बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बहुत मगजमारी होगी गलती की चांसेस बहुत ज़्यादा है लेकिन हम तो एक थ्योरम बनाना चाह रहे हैं जो हम लगाएं और आंसर पाएं है ना तो अभी कुछ काम बाकी है थोड़ा सा जी हाँ ऐसे ही थोड़े बन जाओगे मैथमेटिशियन बहुत रिसर्च करनी पड़ती है यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर ना हर आप देखेंगे हर एक स्टेप पर ना एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से छोटे छोटे ये ट्राइंगल बना ये ट्राइंगल बना ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल इसको अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो ये क्या बन रहे हैं ये ट्राइंगल बन रहे हैं कुछ आप देख सकते हैं कितने सारे ट्राइंगल बन गए यहाँ पे त्रिभुज बन गए इसको पास्कल ट्राइंगल भी बोला जाता है क्योंकि फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे पास्कल ब्लेस पास्कल उनके उनके थ्रू उनके नाम के ऊपर हमने ये चीज़ रखी है अब ठीक है हम इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन हम कुछ और यूज़ करेंगे यहाँ पर क्यों क्योंकि हमें बड़े बड़े एक्सपेंड करने के लिए हमें ये पूरा नहीं बनाना हम कुछ ऐसा करें कि डायरेक्ट कुछ करें और हम एक्सपेंड कर दें सिंपल एसडेट तो क्या कर सकते हैं इसी के अंदर वो हम करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट का बल्कि नया नहीं आपने वो पढ़ रखा है उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्बिनेशन जी हाँ आपने एक चैप्टर पढ़ा है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने भी आपको पढ़ा रखा है ये वीडियो है बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कराया था समझाया था क्या क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे नहीं देखी हो वीडियो देख सकते हो तो हम यहाँ पर भी कोई से भी ट्रम्प को एक्सपेंड करने के लिए कितनी भी पावर को करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे उसके फॉर्मुले का यूज करेंगे जी हाँ अब वो कैसे करेंगे आइए वो आपको मैं समझा देता हूं, बस वो आखिरी चीज है फिर हमें सब कुछ पता है हमें ये भी पता है अगर हमें कोई पावर अग ही पावर अप खोलनी खोलनी है है सपोज सब कुछ पता है क्या पता है कि अगर सत्रह खोलनी है तो अट्ठारह टर्म आएंगे हमें यह पता है ए की पावर कम होती चली जाएगी बी की पावर बढ़ती चली जाएगी ठीक है और बीच में ये जो नंबर आएंगे ये वाले नंबर हम कॉम्बिनेशन से लगाएंगे और फिर हम कोई सी भी पावर को डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं और हमारी थ्योरम भी बनके तैयार हो जाएगी तो एक चीज सीखनी बाकी है बस उसके बाद हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख लिया है आपको याद दिला दूं यहाँ पर एनसीआर निकालना जब आपको होता है तो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल वो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इसका यूज करके अब हम कोई सी भी पावर को एक्सपेंड कर सकेंगे मतलब उसके हम टर्म्स को पता कर सकेंगे हमें ये पूरा का पूरा ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी हां मोटी मोटी चीजें हमें पता चल चुकी हैं अब लेट सपोज हमें ए प्लस बी की पावर जो सेवनटीन हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे वो निकालना होगा हमें सब पता है कि अगर पावर सत्रह है तो क्या होगा अट्ठारह उसके टर्म बनेंगे पहले टर्म में ए की पावर सत्रह से शुरू होगा ए की पावर कम होगी बी की पावर बढ़ती चली जाएगी और जो उनके कोफिशियंट्स हैं ये वाली चीज इसको हम कॉम्बिनेशन का यूज करके निकाल लेंगे और हमारी पूरी की पूरी एक्सपेंड फॉर्म जो है वो बन जाएगी और हमारी बायोमिकल थ्योरम भी बन जाएगी जी हाँ सिर्फ एक स्टेप दूर है वो स्टेप इससे पूरी हो जाएगी आइए करते हैं अब कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करेंगे इसमें सबसे पहले एक बात आपको याद दिला दू कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमें गिवन है उसमें उस से अगर हम कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो कितने तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो चीज होती है लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल पहले समझ लो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी मान लेता हूं मेरे पास तीन बॉल हैं ठीक है इसमें से अगर मुझे दो दो बॉल लेनी हो तो कितने तरीके से मैं ले सकता हूँ कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ पहला तरीका क्या है कि मैं इन दोनों बॉल्स को पहला तरीका ये है कि मैं इन दोनों बॉल्स को एक साथ ले लूँ ठीक है तो एक तरीका मेरा ये हो गया एक कॉम्बिनेशन ये बन गया दूसरा तरीका ये होगा कि मैं इन दोनों को ना लेकर अब मैं किसको ले कि लूँ मैं इधर वाली इन दोनों बॉल्स को ले लूँ तो एक मेरा कॉम्बिनेशन ये बन गया तीसरे तरीके से मैं कैसे ले सकता हूँ इस पहली वाली को और इस लास्ट वाली को इन दोनों को ले लूँ तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बन गया तो इस तरीके से मैं तीन अलग अलग तरीक़ों से मतलब तीन कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ इन तीन बोलों के अंदर से इतनी बात समझ में आए कब कि जब मैं दो दो बोल्स ले रहा हूँ तो इसका अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से करूँगा तो कैसे होगा ऐसे होगा भाई तीन बोले थी कॉम्बिनेशन हमें बनाना है दो दो बोलों का तो फॉर्मूला क्या हमारा थ्री फैक्टोरियल तो थ्री है ना इनकी जगह तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल आर की जगह टू है आर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितने आप ले रहे हैं कितनी बार ले रहे हैं कितने ले रहे हैं तो टू फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में एन माइनस आर मतलब थ्री माइनस टू जो होगा वो होगा वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन ही होती है और टू फैक्टोरियल की वैल्यू भी टू ही होती है थ्री फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो थ्री इंटू टू इन वन आएगा नीचे टू है टू से टू कैंसिल हो जाएगा थ्री थिरी थिरी आपका आंसर आ जाएगा समझ में आई बात ऐसे आपको आपको निकालना होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा में हमेशा जो आपका N, C, 0 होता है। उसकी वैल्यू और आपकी एन सी एन की वैल्यू ये दोनों वैल्यू हमेशा वन के बराबर आएंगी अब ये क्या है इसको भी समझ लो मैंने सर बता रहा हूं मैंने मैं खुद जब मैं चैप्टर की रिसर्च कर रहा होता हूँ चैप्टर के बारे में कंटेंट रेडी कर रहा होता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है तो मैं हर चीज़ पर ध्यान देता हूँ कि आपको क्या भी बताऊँ और क्यों भी बताऊँ मैंने अक्सर YouTube पे वीडियोस देखी हैं बायोनोमियल थ्योरम जिसने पढ़ाया है उन्होंने कॉम्बिनेशन घुसेड़ा तो दिया इसमें लेकिन क्यों घुसेड़ा ये एक्सप्लेन नहीं करा बच्चों को बस उन्होंने कहा भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम कॉम्बिनेशन भाई क्यों लिख सकते हैं वो रीज़न भी जानना चाहता है बच्चा वो रीज़न आपको सिर्फ ही मैं ही बताता हूँ मैंने खुद देखी है ये बात बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी किसी ने भी रीज़न बताया रखा भाई आप बायनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन जो अपने आप में इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है अलग से आप उसको इंक्लूड कर रहे हो उसको जोड़ रहे हो मर्ज कर रहे हो और आप उसका रीजन ये नहीं दे रहे कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा आपने बस ये बोल दिया कि इसको हम इस वन को में NC1 लिख भाई क्यों लिख सकते हो वो भी बचाओ बताओ ना बच्चों को जब भी तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत सोने 98 परसेंट ने वो चीज़ कर ही नहीं रखी है बट इसीलिए मैं जान पूछ के आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें यही फर्क है समझ जाओ आप तो एन से जीरो और एन से वन होता है क्यों होता है बताता हूँ एन से जीरो का मतलब अपने वही बॉल्स के एग्जांपल से लेते हैं कि मेरे पास तीन बॉल हैं वो मुझे एक भी बॉल नहीं ली मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन में आ रहा है कि कोई बॉल मुझे लेनी ही नहीं है अब आप खुद सोचो तीन बॉले हैं ठीक है एक भी बॉल नहीं लेनी मुझे तो कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा क्या कि बॉल्स ली ही नहीं जाएंगी जब मुझे बॉल लेनी ही जीरो है मतलब कुछ लेना ही नहीं है तो क्या होगा तो सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई सी भी बॉल नहीं ली जाएगी तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो एक कॉम्बिनेशन क्या है कि बॉल नहीं ली जाएगी तो वन सिर्फ एक कॉम्बिनेशन इसी तरीके से अगर मैं तीन बॉलों में से तीन की तीन ले रहा हूं ठीक है तो कितने तरीकों से ले सकता हूं भाई एक ही तरीके से ले सकता हूँ मैं तीनों के तीनों बोले एक साथ ले लूंगा खत्म क्या इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं है भाई तीन बोले हैं और तीनों ही ले रहा हूँ मैं ठीक है आर तीन है तो तीनों के तीनों में एक साथ ले लूंगा खत्म और कोई तरीका है ही नहीं तो इसका भी कॉम्बिनेशन कितना है एक ही कॉम्बिनेशन तो वैल्यू वन आई तो इसका मतलब एन सी जीरो और एन सी एन जो है वो वन होता है सिंपल है सेट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई अब देखो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए प्लस बी की पावर फाइव को अगर मैं देखूँ तो ये सारे कोएफिशिएंट आए थे यहाँ पर वन से कहानी शुरू हुई और वन पे कहानी खत्म हुई हुई नहीं हुई बिल्कुल हुई तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये आपकी कहानी शुरू हुई है कहाँ से एन सी जीरो से और कहानी कहाँ तक गई है एन सी एन तक अब ये एन क्या बला है यहां पर यहां पर एन है आपकी पावर आपका इंडेक्स आपकी पावर समझ में आ रही है बात तो एन सी एन मतलब फाइव पावरों में से फाइव की फाइव में ले रहा हो तो इस तरीके से ये वाला वन मिला है इस तरीके से ये वाला वन मिला है तो यहां पर अगर मैं एन की जगह फाइव ही रिप्लेस कर देता हूं तो यहां पर यह कुछ बन जाएगा किस तरीके से फाइव सी जीरो और ये क्या बन जाएगा आपका ये आपका बन जाएगा फाइव C5 मतलब ये वाला वन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ये वाला वन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अब यहां से हमने सेम ये चीज ऊपर भी होगी ऐसे ही यहां पर पावर कितनी है भैया फोर पावर चल रहा है तो इसका मतलब इस वन को मैं लिख सकता हूं फोर सी जीरो और इस वन को मैं लिख सकता हूं यहां पर कहानी खत्म हो रही है फोर सी फोर इस तरीके से मैं इस वन को लिख सकता हूं थ्री सी जीरो और इस वन को लिख सकता हूं थ्री सी थ्री इस तरीके से इस वन को मैं लिख सकता हूं टू सी जीरो और इस 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 वन को सकता हूं, टू, टू। इस वन को मैं लिख सकता इसको लिख दूंगा। जीरो, सी ही जीरो। यहां अब आप खुद समझदार हो अब क्या करना है भैया जीरो से लेकर फाइव तक गया है तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा ये आपका फाइव सी वन होगा ये आपका फाइव सी टू होगा ये आपका फाइव सी थ्री होगा ये आपका फाइव सी फोर होगा और ये आपका फाइव सी फाइव हो तो ही चुका होता है लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे तो इस तरीके से, इस तरीके तरीके से से हर एक अब अगर हम फाइव सी थ्री की वैल्यू खोलेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल आप खोल लो अब यहां पर देखिए फाइव फैक्टोरियल क्या होता है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन होता है चलिए जी थ्री फैक्टोरियल क्या होता है थ्री इंटू टू इंटू वन होता है मल्टीप्लाई में फाइव माइनस थ्री टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू इंटू वन होता है टू इंटू वन से टू इंटू वन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा दो से ये कट जाएगा चार दो बार ऊपर के नीचे सब कुछ कट गया ऊपर बचा पाँच और दो दो पंजे कितना होता है दस होता है ठीक है तो इस दस को हम फाइव से थ्री लिख सकते हैं समझ में आ रही है बात इसलिए हम इन कॉपिशेंट को कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं क्योंकि अब हम ऐसा कर लेने से हमें अब ये पूरा ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा हमें जिस भी ट्रम या जिस भी पावर का हम निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट उस पावर को ऊपर रखेंगे और नीचे उसके ट्रम में जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से लगते चले जाएंगे और हमें हर एक कोएफिशिएंट मिलता चला जाएगा अब मान लो वही अब अगर आप लेट सपोज निकाल रहे हो ए प्लस बी की पावर सतरा को एक्सपेंड कर रहे हो अब आपको पता है कि पहला जो आपका होता है वो तो ए की पावर सत्रह आएगा लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं मतलब उसके साथ वन ही आएगा ऑलमोस्ट आए सी है तो आप क्या लिखेंगे सत्रह सी ज़ीरो तो पहला ए का कोफिशेंट आपको यहाँ से मिलेगा जो कि वन होगा ठीक है जी इस तरीके से दूसरा आपको मिलेगा सत्रह सी टू से तीसरा आपको सत्रह सी थ्री इस तरीके से आपको हर एक ट्रम का कोफिशेंट मिलता चला जाएगा आपको इस ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इसीलिए कॉम्बिनेशन हमने इसमें ऐड कराए अब इसके मैंने सारे लिख दिए ऐसे आप इसके भी लिख सकते हो ये आपका जो फ़ोर है ये कहलाएगा फोर सी वन ये आपका फोर सी टू आपका फोर सी थ्री आपका फोर सी फोर यहाँ लिखा हुआ ही है ये आपका हो जाएगा थ्री सी वन आपका हो जाएगा थ्री सी टू आपका थ्री सी थ्री हो गया ये आपका हो जाएगा टू सी वन आपका टू सी टू हो गया सारे आ गए तो इस तरीके से जी हाँ ये है मेन लॉजिक मेन रीज़न जो आपको किसी और की वीडियो में नहीं मिलने वाला ये लॉजिक आपने समझ लिया कि कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर क्यों डाला है इस ट्रायंगल को बनाने से बचने के लिए अब हमें सब कुछ पता चल गया जी हाँ आप बन गए पूरे के पूरे मैथमेटिशियन सब कुछ आपको पता लग गया है क्या क्या पता लग गया आपको अब ये पता लग गया कि क्या क्या पता लग गया कि जो भी हमें पावर खोलनी है जितनी भी पावर खोलनी है सबसे पहले उसमें ट्रम कितने होंगे ट्रम होंगे हमारे पावर प्लस वन मतलब पावर से एक ज्यादा अगर पावर सत्रह खोलनी है तो टर्म होंगे अट्ठारह अठारह टर्म होंगे ठीक है जी पावर ऑफ ए जो है वो बढ़ती चली किसी डिक्रीज हाँ कम होती चली जाएगी और पावर ऑफ बी जो है वो बढ़ती चली जाएगी मतलब ए अगर सत्रह तो सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह इस तरीके से कम होगी और बी की पावर बढ़ती चली जाएगी ये है पता लग गया और उनके साथ जो कोई एफिशिएंट लिखना है जो नंबर लिखने हैं ये वाले ये कहाँ से पता चल जाएंगे ये आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए उस ट्रम के लिए उस पावर के लिए वो आपको पता लग जाएगा और इस तरीके से पूरी की पूरी बाइनोमियल थ्योरम तैयार हो जाएगी जी हाँ अब क्योंकि तैयार हो जाएगी तो क्या अब हम इसको लिख दें एक फॉर्म दे दें आइए देते हैं तो अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ फाइनली इतनी देर की जो ये मेहनत है सारी की सारी वसूल होने जा रही है यहाँ पर आपके सामने अब वो थ्योरम आ रही है जिसका नाम हमने रखा था बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं ए प्लस बी की पावर एन अब मैं लिख रहा हूँ एन एन मतलब कितनी भी पावर मैंने क्या बोला आप तो कितनी भी पावर निकाल सकते हैं अगर मुझे ए प्लस बी की कोई भी पावर है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी उसको एक्सपेंड करना है कैसे करूँगा मैं ऐसे करूँगा कैसे करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा एन सी जीरो मतलब जो हमारा पहला टर्म के साथ जो कोपिशियंट होगा वो हम ऐसे निकालेंगे जितनी पावर होगी वो रखेंगे ओ सी जीरो जैसे कि फाइव आवर थी फाइव सी जीरो फोर थी फोर सी जीरो थ्री थी थ्री जीरो इस तरीके से प्रोसी जीरो जितनी भी पावर होगी एन ओ सी जीरो तो ये हमारे पहले टर्म का कोपिशियेंट आ जाएगा और यहाँ पर पहले टर्म के साथ क्या होगा हमेशा यहाँ पर क्या होता है ए होता है ए की पावर कितनी होती है कहाँ से शुरू होती है जो हमारी मेन पावर होती है जो कि यहाँ पर है एन तो ये हमारा इस तरीके से उस इसका एक्सप्रेशन का हमारा पहला टर्म जो है अब क्या? एन की पावर कम होती चली जाएंगी। तो एन यहां पर ए की पावर सॉरी एन बोल रहा हूं तो ए की पावर अगर यहां पर एन थी तो अब हो जाएगी एन माइनस वन ए पावर कम करते चले जाओ की और बी की एंट्री हो जाएगी ये लो जी बी आ गया ठीक है ये आपका बनेगा अगला टर्म इस तरीके से फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा आपका एन सी टू ए की पावर जो है और कम होगी अब यहां पे एन माइनस वन हुआ अब होगी एन माइनस टू ए के करके पावर कम होगी तो ए की पावर एन माइनस टू होगी और बी की पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी जी हाँ समझ में आ रही है बात जैसे तो कि यहाँ पर बी की पावर कुछ भी नहीं थी अब यहाँ पर बी की पावर जो है वो बढ़ जाएगी तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी थ्योरम चलेगी और इसको मैं अलग से एक पेज पर लिख देता हूं पूरा तो आपकी बुक के अंदर से मैंने पूरा का पूरा स्क्रीन उठा लिया है आइए समझते हैं पूरी बायोनोमियल थ्योरम जो आपने बनाई है जी हाँ आपने बनाई है ये आपकी मेहनत का ये फल है तो बायोनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है मतलब कोई पावर एन एन की जगह कोई भी पावर हो सकती है अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे ऐसे करेंगे A +B की पावर एन है तो क्या होगा तो पहला टर्म जो उसका एक्सपेंड होगा वो होगा मैंने आपको बता दिया क्यों होगा एन की जगह पावर आएगी पावर सी जीरो सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर एनसीव और एन सी एन तक मतलब इतनी पावर होगी उस तक हमारे कोफिशियंट निकलेंगे ये हैं हमारे को एफिशियंट एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री बिला बिला अरे ये माइनस कहाँ से आ गया ये माइनस कहाँ से आ गया समझाता हूँ इसीलिए मैंने बुक का स्क्रीन उठाया देखिए अभी ये समझ में आ गया आपके बाद ये आपके क्या हो गए कोएफिशिएंट हो गए और ए की पावर एन जो पावर होती है वही हमारी पहले ए की पावर होती है तो ए की पावर एन होगा फिर ए की पावर कम होती रहती है ये हमें पता है तो ए की पावर एन है अगले में एन माइनस वन एन माइनस टू और इस तरीके से जाते जाते यहाँ पर कुछ और हो गया है क्यों हो रहा है बताऊँगा ये भी बताऊँगा समझ लो और क्या होता है बी की एंट्री हो जाती है और बी की पावर बढ़ती रहती है तो अब यहाँ पर बी बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर बी आ गया फिर बी की पावर टू बी की पावर थ्री बी की पावर फोर से तक वो चलता रहेगा ये रहा की पावर एन तक चलता हुआ आ गया और यहां से ए हमारा गायब हो चुका है इतनी बात समझ में आ गई ठीक है जी तो ये है थ्योरम की एक्सप्रेशन जिसके थ्रू अब हम कोई सी भी पावर खोल सकते हैं इसको लिखकर इसका यूज़ करके ना अब हमें किसी पास्कल ट्राइंगल की ज़रूरत है ना अब हमें किसी पैटर्न को समझना है ना ही हमें कुछ ऑब्जर्व करना है वो सारी मेहनतें हमने पहले ही कर ली हैं इस थ्योरम को बनाने में अब तो बस ये लगानी है सॉल्व करना है आंसर लाना है सिंपल एज दैट आइए अब ज़रा इसको समझते हैं ये जो बीच में कुछ अजीब सा आ गया ये क्या है बताता हूँ देखिए इधर से तो यहाँ तक हम बढ़े ये आपके पास समझ में आ गई एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ए की पावर एन एन माइनस वन एन माइनस टू बिला बिला आगे बढ़ती रहेगी बी नहीं था बी आया बी की पावर स्क्वायर ठीक है एंड का आखिरी टर्म भी आपको समझ में आ गया एन सी एन मतलब जहाँ तक पावर गई वहाँ तक एन सी एन पूरा और बी की पावर एन एंड में होता है ए खत्म हो चुका होता है इसको समझते हैं देखिए इसको आप ऐसे समझिए कैसे समझिए बताता हूँ यहाँ पर ए की पावर एन है पावर कम होते 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 क्या होगा यहाँ पर ए की जो ये पावर है ये पावर क्या है वन हो चुकी है ठीक है जब तो मतलब ए की पावर फोर भी आई होगी कभी ठीक है थ्री भी आई होगी फिर टू आई होगी फिर वन आई होगी और उसके बाद ही तो ए खत्म हुआ होगा ना तो इसीलिए यहाँ पर ए की पावर वन है और फिर ए खत्म हो गया इसलिए यहाँ पर खाली ए है अब ये बी की पावर जो है वो एन माइनस वन कैसे है आप देखिए इसको इस तरीके से लिया गया है अगर सबसे लास्ट में बी की पावर एन है तो उससे जस्ट पहले क्या होगी बी की पावर एन माइनस वन होगी याद करो मैंने बताया था ना अगर हम बी उधर से देखेंगे अगर हम बी इधर से देखेंगे तो इधर से बी की पावर कम होगी और इधर से ए की पावर कम होगी ये बताया था ना मैंने इसीलिए बताया था एक चीज के पीछे का लॉजिक मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूं मैंने क्या बताया इधर से खड़े एक की पावर कम करते चले जाओ अगर आप इधर से हैं तो बी की पावर कम करते चले जाओ तो इधर से खड़े होकर देखो आप तो अगर बी की पावर एन है तो अगले में बी की पावर कम होगी वन एक टर्म से तो एन माइनस वन इसीलिए यहां पर ये बी की पावर एन माइनस वन आया है और इसीलिए यहां पर जो सी की पावर एन थी ये भी एन माइनस वन इसीलिए आया है यहां पर ये जो टर्म है ये जो पावर है ये कम हुई है क्योंकि यहाँ पर आप कहाँ तक गई होगी वो तो हमें नहीं पता तो हम कैसे लिखेंगे तो हमने इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए हमने उधर से एक टर्म पीछे इसको कंसीडर किया मतलब ये वाला जो हमारा पद है बेसिकली इधर से ऐसे फॉरवर्डिंग में नहीं है ये हमारा इधर से है बैकवर्ड की तरफ से लिया गया है लिखा गया है बेसिकली बात वही है उधर से हमने कम करा ए नहीं था ए लिया है। बी की पावर एन थी एन माइनस वन कर दी सी एन था एन सी एन था तो एन सी एन माइनस वन कर दिया बस इसको हमने उस तरफ से लिखा है इसीलिए आपको दिखने में थोड़ा सा अजीब भी अटपटा लग रहा होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये आपकी हो जाती है बाइनोमियल थियोरम अब आप क्या आप बस वही है इसको यूज़ करके आपको एक्सपेंड करने है फॉर्मूले सवालों की शुरुआत हो जाएगी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया भैया इसको प्रूफ करने के लिए तो हमने यहाँ पर लिखी है पूरी की पूरी थ्योरम इस तरीके से लिख दी आप भी बार बार लिखना ताकि आपको याद हो रहा है एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन इस तरीके से पूरी की पूरी लिखने लगना अब यहाँ पर फोर एन इज़ इक्वल टू वन मतलब अगर हम एन की जगह वन रखें मतलब ए प्लस बी की पावर अगर हम वन रखें तो कैसे सॉल्व होगी तो एन पावर है तो वन सी जीरो ए की पावर एन मतलब ए की पावर वन फिर वन सी वन बी की पावर एन ठीक है ये आ गया बी और यहाँ पर इस तरीके से हमने जब खोला तो वन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है आपको पता है वन सी वन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है वन नहीं होती है और ए की पावर वन की वैल्यू वन हो, हो जाएगी बी की पावर वन की वैल्यू भी ए बी हो जाएगी तो ए प्लस इस तरीके से आंसर आ जाएगा ऑल राइट right, तो ये है आपकी बायनोमियल थियोरम जिसको मैंने पूरा टाइम लेके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जी हाँ टाइम मैंने लिया है लेकिन इसके बदले जो मैंने आपको वैल्यूज दी हैं जो नॉलेज दी है जो कॉन्सेप्ट दी, दी है वो कहीं और नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी तो मैं ले सकता हूं आप खुद देख लेना चाहे तो आप खुद दूसरों की वीडियो देख लो फिर ये वीडियो देख लो आपको डिफरेंस खुद पता लग जाएगा तो ये मेरी कोशिश थी बायोनोमियल थियोरम को समझाने की अब कुछ इसके सवाल देखेंगे कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं और आप खुद देखना कितनी आसानी से अब आप आपसे सवाल बनेंगे कुछ स्पेशल केस भी आएंगे जरूरी थोड़ी है हमेशा यहाँ पर ए प्लस बी ही ए प्लस बी का स्क्वायर हो क्यों आपका ए माइनस बी के स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला होता है क्यों भूल गए क्या इसका तो जिक्र हमने करा ही नहीं मैंने करा ही नहीं जी हाँ ये भी तो होता है तो इसमें भी आपके कहीं ना कहीं थ्योरम लगी होगी तो a- माइनस बी के होल स्क्वायर को हम कैसे खोलते हैं आपको याद होगा a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर अब इसकी तो हमने जिक्र करा ही नहीं ऐसे a- माइनस बी का क्यूब भी होगा मतलब कहने का मेरा ये है कि माइनस वाले भी तो आते होंगे ना तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे उनका भी तरीका बताऊंगा जब सवाल आएंगे उसमें आपको समझाता रहूंगा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आइए कुछ क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो अब यहाँ से बिल्कुल फ्रेश तरीके से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे बहुत कुछ आपने सीख लिया है हर एक चीज़ आपको क्लियर है तो यहाँ पर आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका मैं क्वेश्चन नंबर फोर करवा रहा हूँ अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से आपसे बनेगा यहाँ मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है ताकि सब चीज़ें आपके सामने रहें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक्स बाय थ्री प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव मैंने क्या कहा था कितनी भी पावर खुलवा सकते हैं वो दो आपके टर्म होंगे अब यहाँ पर ए और बी जो है वो ये हैं इस आप ए कंसिडर कीजिए और इसको आप बी कंसिडर कीजिए तो इसका मतलब यह कि यह ए प्लस बी की पावर फाइव इसको आपको खोलना है ठीक है फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है आइए शुरुआत करते हैं तो इसको किस तरीके से आप खोलेंगे आपको बहुत ही अच्छे से पता है सबसे पहले क्या आएगा एन सी जीरो ए की पावर एन एन का मतलब होता है जो पावर है पावर कितनी है यहाँ पर फाइव है तो फाइव सी जीरो और मल्टीप्लाई में क्या आएगा ए की पावर एन अब ए की जगह पर क्या है वो देखिए यहाँ पर है एक्स बाई थ्री तो एक्स बाई थ्री की पावर फाइव सिंपल एज एसडेंट आपको अब चीज़ें जो है वो रखते हुए चल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन थ्री की पावर फाइव अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहां पर लिखने में ज्यादा गड़बड़ियाँ होती है तो आपको लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी बहुत तसली से लिखना है कहीं पावर कुछ गलत कर सकते हैं आप कुछ गलत गलतियां हो सकती हैं इसलिए बहुत ध्यान से क्योंकि बहुत लंबी स्टेप चलेगी है अब यहां पर हमने इस वाले पार्ट को लिख दिया फिर हम प्लस का प्लस लगाएंगे फिर क्या आएगा फाइव सी वन आएगा अब यहां पर ए ए क्या है हमारा एक्स बाय थ्री अब इसको देखो बस एक्स बाय थ्री की पावर कम करते चले जाएंगे सिंपल एजेंट जो मैंने सिखाया है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक्स बाय थ्री की पावर कितनी हो जाए आएगी अभी फाइव थी तो अब फोर हो जाएगी और बी आ जाएगा

एक पाँच दो और तीन पाँच यहाँ पर पाँच ऑलरेडी है तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है अब अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे तो फाइव सी थ्री हो जाएगा और हमारे पास जो ए है मतलब एक्स बाई थ्री है इसकी पावर और कम कर दो तीन से ये दो हो जाएगी और बी की पावर बढ़ जाएगी बी है हमारे पास वन बाई एक्स इसकी पावर जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे फाइव सी फोर हो जाएगा हम क्या करेंगे एक्स बाय थ्री की पावर जो है वो और कम हो जाएगी एक रह जाएगी और बी की पावर बी की जगह पर वन बाई एक्स की पावर और बढ़ा दे

तीन चार पाँच और ये लास्ट वाला तो छे तो छ के टर्म आ चुके हैं बस इसको आप सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने आ जाएंगे तो फाइव से जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि पांच चीजों में से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और जीरो चीज एक बार में लेनी है मतलब कुछ भी नहीं लेना तो कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा सिर्फ एक ही तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा कि कोई भी चीज़ आप नहीं ले पाएंगे यही तो एक तरीका है ना जब आप कुछ ले ही नहीं रहे तो कुछ भी नहीं ले पाएंगे तो यही एक कॉम्बिनेशन है कि आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो इस

पांच चीज़ें हैं आपके पास और आपको कॉम्बिनेशन बनाना है एक चीज़ का मतलब एक बार में एक चीज लेनी है तो पांच चीज़ें हैं एक बार में एक चीज़ लेनी है तो एक बार में पहले ये ले ली फिर ये ले ली फिर ये ले ली फिर ये ले ली और फिर ये, ले ले और फिर ये वाली ले ली तो किस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाया पांच तरीकों से पांच ही तरीकों से पांच चीज़ें लिया जा सकती है पहले ये दो तीन चार पाँच तरीके से तो इसका आंसर क्या आएगा आपका फाइव आंसर आएगा कि फाइव कॉम्बिनेशन बनेंगे एक एक बार करके एक एक चीज़ ले लेंगे पांचों की पांचों मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई लगा दो एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर नीचे थ्री है थ्री की पावर भी फोर तो थ्री की पावर फोर आपकी कितनी हो जाएगी इक्यासी हो जाएगी मल्टीप्लाई में वन बाय एक्स भी चल रहा है चलो जी वन बाय एक्स भी चला दिया प्लस का प्लस अब फाइव सी टू की वैल्यू क्या होती है ठीक है कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हैं इस की वैल्यू जो होती है वो टेन होती है मल्टीप्लाई में एक्स का क्यूब है तो एक्स का क्यूब कर देंगे तीन का भी क्यूब करना है लो जी तीन का भी क्यूब कर दिया होता है मल्टीप्लाई में वन का वन हो जाएगा और X का का स्क्वायर स्क्वायर जो है वो X का हो जाएगा मतलब जो चीजें हैं मैं सिर्फ उनकी पावर खोल रहा हूँ या उनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ बस और कुछ भी नहीं कर रहा प्लस का प्लस करूंगा फाइव सी थ्री फाइव कॉम्बिनेशन थ्री की वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू भी टेन निकल के आएगी आप चाहें तो निकाल सकते हैं अलग से कॉम्बिनेशन का इस तरीके से फॉर्मूला लगा कर ठीक है इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा यहीं पे करेंगे ये चीज़ भी तो फिर और सवाल लंबा हो जाएगा गलती जो जा होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो कॉम्बिनेशन अलग से आप निकाल सकते हैं एक तरफ़ को ताकि आपका जो सवाल का फॉर्मूला है ये बना रहे एक्स का स्क्वायर जो है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तीन का स्क्वायर नो होता है मल्टीप्लाई में वन बाई एक्स का क्यूब भी चल रहा है फाइव सी फोर की वैल्यू क्या होती है फाइव सी फोर की वैल्यू फाइव आएगी मल्टीप्लाई में एक्स का एक्स रहेगा थ्री की पावर भी वन है तो थ्री आ जाएगा एज इट इज़ वन बाय एक्स की पावर फोर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस फाइव सी फाइव की वैल्यू जो होती है वन होती है वन को आप लिखो या फिर मत लिखो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता यहां पर एक्स की पावर सबसे लास्ट में फाइव आ जाएगी इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से जो जो चीजें एक्सपेंड हो सकती थी वो हमने कर दी अब क्या करें अगले स्टेप में अब आप ये कीजिए कि जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं डिवाइड हो सकती हैं मल्टीप्लाई हो सकती हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके काटा पेटी करके छोटा कर दो खत्म कर दो अब इस वाले ट्रम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों चीजें ऊपर नीचे अलग अलग है तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा प्लस का प्लस लगाया

पे क्या हो सकता है यहाँ है मतलब है है पर देखिए नीचे मतलब का का स्क्वायर ऊपर क्यूब तो इस रह गया, तो क्या रह गया? आपके पास टेन रह गया एक एक्स रह गया और डिवाइड में नीचे फिर ट्वेंटी सेवन रह गया सिंपल प्लस लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा यहां पे क्या हो सकता है देखिए ऊपर दो एक्स और नीचे तीन एक्स हैं तो ऊपर वाले दो एक्स से अब नीचे वाले दो एक्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे नीचे एक एक्स बचेगा तो यहाँ पे ऊपर क्या रह गया ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेन रह गया क्योंकि दस एकम दस बचेगा खाली और नीचे हमारे पास नाइन रह गया और नीचे हमारे पास एक्स रह गया आगे बढ़ जाएंगे ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखिए एक एक्स से इस एक एक्स से इस जो एक्स का पावर फोर थी इसका एक एक्स उड़ गया तो एक्स का क्यूब रह जाएगा नीचे तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे फाइव और नीचे रह जाएगा हमारे पास थ्री एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब इस तरीके से ठीक है एक इस वाले एक्स से यहाँ पे तीन पावरें रह गई चार में से और फिर अगले स्टेप में वन बाई एक्स की पावर फाइव है ही जिसमें से हम कुछ भी काटा पीटी नहीं कर सकते बस अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः छः टर्म आपको दिख रहे हैं अब कुछ और काटा पीटी आप कर ही नहीं सकते क्योंकि जो करनी थी कर दी ये आपका आंसर आ चुका है देखा आपने चीजें लंबी हैं स्टेप ज्यादा हैं पूरी एक रेलगाड़ी बन रही है लेकिन सही तरीके से कैसे करना है और आसानी से कैसे करना है तसल्ली से करना इसमें कोई भागम भाग आपको मचाने की जरूरत नहीं है आराम से एक एक ट्रम को उठाते रहो सॉल्व करते रहो अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज हो रही है जो कि इसमें है क्या कि एक्स की पावर कम होती जाएंगी और बी की पावर जो है वो बढ़ती जाएंगी अब यहाँ पर क्योंकि एक्स की अगर हम पावर देखें ठीक है यहाँ पे क्योंकि बी तो अब रहा ही नहीं क्योंकि ट्रम अलग अलग खुल चुकी हैं यहाँ पर वन बाई एक्स था आप एक्स दोनों में एक्स और एक्स देखो यहाँ पर एक्स की पावर है फाइव अगली स्टेप में हो गई एक्स की पावर थ्री अगली स्टेप में एक्स की पावर वन तो फाइव थ्री वन कम हो रही है ना फिर एक्स नीचे आ गया एक्स नीचे अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है पावर माइनस वन क्योंकि नीचे है फिर माइनस थ्री फिर माइनस फाइव तो हम देखें फाइव थ्री वन फिर माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव तो पावर कम होती चली जा रही है तो इसलिए इसको सॉल्व करके इस तरीके से आपका आंसर आएगा अब कोई भी दो टर्म खोल ली हो इसी तरीके से पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पेंड करना उसको एक्सपेंड करना और फिर खोलते हुए चले जाना जो कट सके उसको काट दो लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर होगा तो ये था प्लस वाला सवाल अब आइए एक सवाल में आपको बता देता हूं कि अगर फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाए उसको कैसे करना है वो सीख लो तो अब मैंने एक सवाल लिया है माइनस वाला देखिए वन माइनस टू एक्स की पावर फाइव कैसे करेंगे माइनस वाला सवाल इसको समझने से पहले कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूंगा आपसे मैंने क्या कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो तो अब मैंने यहाँ पर ना कुछ माइनस के फॉर्मूले लिखे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी की पावर फोर ए माइनस बी की पावर फाइव और ए माइनस बी की पावर वन कुछ फॉर्मुले लिखे हैं इनकी एक्सपेंड फॉर्म भी मैंने लिखती है, बस आपको सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है अब ये नंबर कहां से आए इसमें किसकी पावर कैसे क्या बनी वो सब चीजें हम सीख चुके हैं पढ़ चुके हैं नई चीज में क्या ऑब्जर्व करवाने जा रहा हूं ये जो माइनस वाले फॉर्मूले देखिए सब में यहां पर ए जो है वो प्लस का है ठीक है जी बात समझ में आती है मैंने बताया था भैया ऑब्जर्व करना है और पैटर्न समझना है बस अब यहाँ पर जब ए प्लस का है तो ए से ही हमारे सारे फॉर्मूले शुरू हो रहे हैं पॉजिटिव से यहाँ पर ए माइनस बी की पावर वन थी तो इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा ए माइनस बी मतलब यहाँ पर ए जो है हमारा वो पॉजिटिव का आएगा और बी हमारा नेगेटिव का आएगा क्योंकि बी हमारा नेगेटिव है इसलिए तो अगर हम सिर्फ सिंबल देखें तो यहाँ पर अगर मैं सिंबल को लिखना चाहूँ तो पहला जो हमारे पास टर्म है वो कैसा आया वो पॉजिटिव आया दूसरा टर्म जो आया वो हमारा नेगेटिव आया इस तरीके से हुआ है अब अगले फॉर्मूले पर नज़र डालो ए माइनस बी का होल स्क्वेयेर इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अगर मैं इसके टर्म पर नज़र मारूँ वो मुझे पता है कैसे क्या क्या आया कैसे क्या बाकी सब सिर्फ़ इनके सिंबल पर नज़र मारो साइन पर नज़र मारो तो सबसे पहला ए स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव है फिर दूसरा टर्म क्या है? Negative है फिर तीसरा टर्म क्या है पॉजिटिव है मतलब सिंबल कैसे चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ये इसके सिंबल चल रहे हैं ऐसे ए माइनस बी के क्यूब के ट्रम पर नज़र मारो इनके जो टर्म्स हैं जो पद हैं उसके साइन क्या हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये चल रहा है ए माइनस बी की बार फोर का जो फॉर्मूला खुलेगा इसके साइन पर नज़र मारो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये चल रहा है ऐसे आप फाइव पे नज़र मार लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या चल रहा है समझ में आया कुछ क्या चल रहा है पैटर्न क्या है यस पैटर्न ये है कि अगर आपका माइनस में एक्सपेंड फॉर्म होगी तो यहाँ पर जैसे कि प्लस में होती है सारे ही पॉजिटिव होते थे लेकिन अगर माइनस में होगी तो आपको किससे स्टार्ट करना है ये हमारा पॉजिटिव है तो पहला हमारा ये पॉजिटिव रहेगा और फिर क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पहला जो टर्म आपको लिखना है वो पॉजिटिव लिखना है दूसरा टर्म जो है आपका वो नेगेटिव में आ जाएगा तीसरा फिर पॉजिटिव में आ जाएगा चौथा नेगेटिव में आ जाएगा और इस तरीके से आपकी कार्यवाही चलती रहेगी यही चीज़ हर एक फॉर्मूले में आ रही है तो इसका मतलब इसी चीज़ को अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे बड़ी पावरों में भी सेम चीज़ फॉलो होगी समझ में आ गई बात तो इतनी सी बात मैंने आपको डायरेक्ट बता दी है अब आइए अब इस सवाल को करते हैं माइनस का सवाल है कैसे सॉल्व करना है कैसे खुलेगा आइए करवाता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझाने के लिए, लिए लिखा था इसको मैं यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ बल्कि मैं इसकी स्लाइड कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको जब पी मिलेगी इसकी तो आपको ये भी स्लाइड में मिल जाएगा और पी डी मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही आपको दिया जाएगा तो इसको हम ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए माइनस बी की पावर फाइव इसको खोलना है फोम आपके सामने लिखा होगा बस साइन हमें साइन का ध्यान रखना है तो सबसे पहले क्या होता है एन सी जीरो एन की जगह क्या है फाइव तो फाइव सी जीरो और ए की पावर एन ए की जगह है वन वन की पावर फाइव ठीक है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा वन की पावर फाइव क्योंकि यहाँ पर फाइव जो है हमारे पावर है प्लस लगाऊंगा ये आ गया एन सी वन मतलब फाइव सी वन मल्टीप्लाई में ए की पावर अब क्या होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी एक जगह पर वन है तो यहाँ पर हम वन लिखेंगे तो वन की पावर फाइव थी तो अब यहाँ पर वन की पावर फोर हो जाएगी और बी की एंट्री हो जाएगी बी आ चुका है तो बी क्या है हमारे पास माइनस टू एक्स तो ब्रेकेट के अंदर माइनस का टू एक्स आ जाएगा और इस माइनस के टू एक्स के आने की वजह से ही ये वाला टर्म कैसा होगा माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा प्लस का होगा ये वाला माइनस का होगा समझ में आ रही है बात ऐसे वो पैटर्न फॉलो हो रहा है आगे हम बढ़ जाएंगे तो फाइव सी टू और यहाँ पर वन की पावर जो है वो क्यूब हो जाएगी और इसकी जो पावर है यहाँ पर टू एक्स की वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर वन थी तो यहाँ पर वो टू हो जाएगी मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली जो हो गया अब वही बात स्क्वायर होगा तो माइनस और माइनस जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए ये वाला टर्म फिर प्लस का हो जाएगा समझ में आ रही है बात ये लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता था प्लस माइनस प्लस तो ये चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है बहुत अच्छे तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं तो फाइव सी टू के बाद आ जाएगा आपका फाइव सी थ्री ओ वन की पावर एक और कम कर दो और यहाँ पर माइनस टू एक्स की पावर जो है एक और बढ़ा दो अब वही तीन पावर हो गई माइनस में तो माइनस की आएगी वाली टर्म जो आएगी आगे बढ़ जाएंगे 5c4 यहाँ पर वन सिर्फ वन रहेगा क्योंकि स्क्वायर था एक और कम करी तो वन रहेगी आप चाहो तो वन को आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसकी पावर जो है वो फोर हो जाएगी और सबसे लास्ट में आएगा आपका फाइव सी फाइव और ये तो वन खत्म हो चुका है फिर माइनस टू एक्स की पावर पूरी की पूरी फाइव हो जाएगी तो माइनस टू एक्स की पावर फाइव हो जाएगी पूरी ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ठीक है मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि जगह कम पड़ रही थी चलिए जी अब अगली स्टेप क्या है हमारी अगली स्टेप पे इसको एक्सपेंड करेंगे अब फाइव सी जीरो की वैल्यू वन होती है आपको पता है एक की पावर कितनी भी हो ये भी वन होती है तो इस वाले पहले टर्म को पूरा का पूरा जब हमने सॉल्व करा तो क्या आ गया सॉल्यूशन होके वन आ गया सिर्फ ये वाला प्लस लगाया फाइव सी वन की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बता रखा है फाइव होती है तो यहाँ पर फाइव लिखेंगे मल्टीप्लाई में एक की पावर चार वन ही आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लाई में वन आएगा मल्टीप्लाई में माइनस का टू एक्स है ठीक है माइनस का टू एक्स है अब इन सबकी मल्टीप्लाई आपस में करा दो तो माइनस के टू एक्स की वन में होगी माइनस के 2x एक्स एक माइनस के टू और दो में पांच में होगी तो दो पंजे दस तो माइनस का 10x आएगा ये सब कुछ सोल्व होके तो यहाँ पर सब कुछ सोल्व होके क्या आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा ये कर दिया ये वाला प्लस लगाया 5c2 की वैल्यू क्या होती है ठीक है इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है आपको निकालना है तो अलग से आप निकाल भी सकते हो तो पर आ जाएगा आपका टेन अब यहाँ पर वन का क्यूब वही वन का क्यूब वन ही होगा अब यहाँ पर इसको खोलो चलो इसको भी आप लिख दो ये लीजिए वन भी लिख दिया अब जब हम माइनस के टू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी चार हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका फोर एक्स का स्क्वायर इस तरीके से ये हो जाएगा अब इसको आगे सॉल्व कर लो दस और चार जो है आपके चार ही से तो ये आपका हो जाएगा फोर्टी एक्स ठीक है मल्टीप्लाई में तो फोर्टी ठीक है दस और चार की मल्टीप्लाई फोर्टी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा फिर मैंने ये वाली प्लस लगाई ये भी आपका टेन होता है फाइव सी थ्री

एक्स क्यूब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया यहां तक आप ये वाली प्लस लगाई मैंने फाइव सी फोर की वैल्यू क्या होगी आपकी फ़ाइव होगी मल्टीप्लाई में वन है और मल्टीप्लाई में टू एक्स की पावर फोर है माइनस के टू एक्स की पावर फोर तो दो एकम दो ठीक है दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह तो सोलह यहाँ पर आ जाएगा आपका सिक्सटीन एक्स की पावर फोर और ये पॉजिटिव का आएगा क्यों क्योंकि पावर जो है वो इवन में है तो इवन में पावर होगी तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो इस तरीके से प्लस का हो जाएगा सोलह पंजे आपका कितना हो जाएगा अस्सी 80, तो अस्सी एक्स की पावर जो है हमारी कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी तो एट्टी एक्स की पावर फोर हो जाएगा प्लस में आगे बढ़ेंगे फाइव सी फाइव जो होता है वो आपका वन होता है इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी सेम रहेगी टू की खोल देंगे आप चार कितनी पाँच बार तो दो दूनी चार ठीक है दो दूनी चार चार दुनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह दूनी बत्तीस तो बत्तीस आ जाएगा इसका माइनस का थर्टी टू एक्स की पावर फाइव और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा तो यहां पर आप माइनस लगा देंगे और बत्तीस एक्स की पावर फाइव आ जाएगा तो इस तरीके से आपके टर्म गिन लो एक दो तीन चार पाँच छः टर्म आ गए पाँच पावर है टर्म छः आए सही है सारे के सारे एक्सपेंड करती है सही है अब इनके सिंबल देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है माइनस की वजह से माइनस वाला ये होने की वजह से एक एक टर्म हमारी चेंज होती रही मतलब पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन के चेंज होते रहे और ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये बना है तो इस तरीके से ये पूरी सॉल्व हो गई अब आगे कुछ और करना ही नहीं है आपको सिंपल एजेट जो सॉल्व होने वाली चीज़ें थी वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं इस तरीके से आपको ये सवाल करना था अब माइनस वाला कोई भी सवाल आ जाए फॉर्मूला आपका वही है बस आपको सिंबल का ध्यान रखना है माइनस प्लस का ध्यान रखना है ऐसे आप कर लेना बटे वाला आ आ आ जाए 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 नॉर्मल फ्रैक्शन कुछ कुछ भी आ जाए। अब आइए इन्हीं तर इन्हीं तरह इस थ्योरम का ही यूज करते हुए कुछ और टाइप के नए सवाल सॉल्व किए जाते हैं आगे बढ़ू मैं उससे पहले कुछ और चीजें आपको नोटिस करवाना चाहता हूं जी हाँ ये चीजें हर कोई नहीं बताता आपको सोल्यूशन सब बता देंगे लेकिन ये चीजें यूट्यूब पर आपको सिर्फ मेरे पास मिलेंगी देखिए अब आप कह रहे होंगे सर आपकी बात गलत साबित हो गई कौन सी बात मैंने आपको बताया कि एक्स की जो पावर है वो कैसी हो जाएगी हम पढ़ते लेकिन सर जैसे ही फॉर्मूला माइनस वाला आया आपकी बात तो गलत साबित हो गई यहां पर तो पावर घटने की जगह बढ़ रही है यहां पर एक्स नहीं था यहां पर एक्स आ गया फिर दो तीन चार पांच तो यहां तो पावर बढ़ गई सर आपकी बात तो गलत हो गई आप तो मैं गलत पढ़ा रहे हो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है जी हाँ गलत बिल्कुल नहीं है ये बिल्कुल सही सही है है अब कैसे सही है? बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था की पावर डिक्रीज होगी ठीक है ए मतलब जो पहला पद यहां पर होगा ए इसके साथ जो होगा अब यहां पर आप देखें यहां पर तो एक्स है ही नहीं तो ये एक्स कौन सा है ये एक्स तो बी वाला है बी के साथ है, और बी के साथ बी के बारे में मैंने क्या बात बताई थी जरा उस पर भी नज़र मार लो बी के बारे में मैंने बात बताई थी कि क्या होगा पावर ऑफ बी मतलब बी की जो पावर होगी वो इनक्रीज होगी बढ़ेगी तो यस ये वाला डाउट भी आपका मैंने यहाँ आप पर क्लियर कर दिया ये जो एक्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली ए वाला नहीं है ये बी वाला है और बी की पावर तो बढ़ती है तो यहाँ पर बी नहीं था फिर यहाँ पर बी आ गया मतलब एक्स आ गया फिर एक्स दो हो गए तीन हो गए चार हो गए पाँच हो गए इसलिए ये बढ़ रही है तो एक और छोटी सी चीज़ मगर बहुत गहरी चीज़ थी जिसका मैंने आपको आंसर कर पे कोशिश की उम्मीद करता हूँ आपको यह भी समझ में आया होगा कि क्यों माइनस आने पर ये इस तरीके से ट्रीटमेंट इसका हुआ ये इस तरीके से क्यों आया लॉजिक आपको क्लियर हो गया है अब कुछ और टाइप के सवाल हैं जो हम इसी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे जिसमें यह सब नहीं होगा सिर्फ नंबर नंबर होंगे और वो चीज आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो तो आइए उसको भी समझाता हूं कुछ सवाल ऐसे होंगे डायरेक्ट नंबर दिया गया है उसकी कुछ पावर दी गई है एक्सपेंड करना है अब वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 101 की पावर चार का मतलब 101 को चार बार रखकर मल्टीप्लाई करो लेकिन बहुत लंबा तरीका है आप इसको बायनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं कई सवाल ऐसे होंगे सौ के आसपास हो सकते हैं ज़्यादा भी कम भी कम होंगे तो माइनस वाला फॉमूला ज़्यादा होंगे तो प्लस वाला फार्मूला कैसे देखिए एक को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं सौ प्लस एक हंड्रेड प्लस वन की पावर फोर अभी तो एक सौ एक ही है अब यहाँ पर लेकिन ये बन गया ए प्लस बी की पावर फोर अब यहाँ पे हम अपने थ्योरम जो है लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे बहुत आसान है एन सी जीरो मतलब कि फोर सी ज़ीरो मल्टीप्लाई में ए की पावर एन ए की जगह पर क्या है सो है मतलब सो की पावर चार ठीक है जी तो यहाँ पर सो की पावर चार में कर दूंगा प्लस फोर सी वन ये लिख दिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका अब वही पावर कम करते रहो सो की पावर चार है तो अब सो की पावर तीन हो जाएगी और बी की एंट्री हो जाएगी बी है यहाँ पर वन तो वन मैंने एज इट इज लिख दिया वन की पावर वन ठीक है जी आगे बढ़ जाएंगे फिर क्या होगा आपका फोर सी टू आएगा और यहाँ पर क्या होगी पावर जो है और कम हो जाएगी हंड्रेड की पावर टू और वन का स्क्वायर हो जाएगा चलिए जी आगे बढ़ जाऊँगा फोर सी थ्री अब हंड्रेड की पावर एक और कम कर दूंगा तो पावर वन रह जाएगी और वन की पावर जो है मैं एक बढ़ा दूंगा फिर आ जाएगा आपका फोर सी फोर हंड्रेड ख़त्म हो जाएगा और फिर वन की पावर जो है वो पूरी की पूरी फोर हो जाएगी ये मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया जितने सवाल आप कर लेंगे ना उसके उतना आपका इसका जो हाथ चलने की स्पीड आपकी वो बढ़ जाएगी आपका हाथ और जल्दी जल्दी चलेगा इसको लिखने के अंदर ठीक है जी तो इसके सवाल आप खुद भी प्रैक्टिस करना जो सवाल मैंने भी करवाए हैं ये भी खुद से करना एक बार आप नोट करके खुद से करना फिर चेक करना आपने सही किया है या नहीं किया कमेंट करके मुझे बता देना अब वही फोर सी जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है सौ की पावर चार को आप खोल दो तो, तो सो की पावर चार का मतलब क्या होता है सो की पावर चार का मतलब होगा आपका एक के आगे ठीक है दो चार छः आठ जीरो इस तरह से आप लगा देंगे तो ये मैंने आठ जीरो यहाँ पर पूरे के पूरे लिख दिए हैं ये बन गया अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे फोर सी वन की वैल्यू क्या होती है फोर होती है मल्टीप्लाई में हंड्रेड का क्यूब ठीक है हंड्रेड की पावर तीन तो यहाँ पर दो चार छः जीरो आ जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः जीरो इसके आ गए यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने कोमा लगा दिए मल्टीप्लाई में वन है तो वन की तो वन ही आ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फोर की वैल्यू क्या होती है सिक्स होती है ठीक है जी इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा और हंड्रेड है मल्टीप्लाई में वन का क्यूब तो वन का क्यूब ही रहेगा मतलब वन ही रहे कोई फायदा नहीं है इसका क्यूब हो फोर हो कितनी पावर हो वन की पावर जो है कितनी भी खोलो वन ही आती है फोर सी फोर की वैल्यू जो है वन होती है और एक की पावर चार भी एक होगा तो मिला के वन वन जार वन तो ये सिर्फ एक ही रहेगा अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई हम यहाँ पे करते हैं जो जो मल्टीप्लाई हैं उनको भी हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये दस करोड़ आपका ये हो जाएगा जो दस के आगे एक दो तीन जीरो ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई चार में कर देंगे तो ये आपका कितना था दस लाख था ना ये यहाँ तो ये आपका हो जाएगा चालीस लाख किस दिन में पैसा डबल और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साठ हजार और ये हो जाएगा आपका चार सौ और ये हो जाएगा आपका एक अब इन सब को जोड़ लो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है दस करोड़ चालीस लाख साठ हज़ार चार सौ एक इसको आप एक साथ यहाँ पर लिख देना दस करोड़ चालीस लाख साठ हज़ार चार सौ एक है ना साठ हज़ार चार सौ एक तो ये खोल के पूरा का पूरा आ चुका है तो बायनोमियल थ्योरम से भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अभी ऐसे की प्लस में था ऐसी लेट सपोज हो सकता था नाइन्टी एट की पावर क्यूब ठीक है आप क्यूब भी निकाल सकते हैं अदरवाइज़ इसको आप ऐसे भी रख के कर सकते हैं कि हंड्रेड माइनस टू की पावर क्यूब तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के बायनोमेल थ्योरम यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसे सवाल भी सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं यही मेरा आपको बताने का मकसद था इसको आप नोट कर लेना और एक बार खुद से कोई नंबर ले लेना खुद से कुछ भी नंबर ले लेना एक ले लेना एक ले लेना निन्यानवे ले लेना अठानवे ले, ले लेना उसकी कुछ भी पावर ले लेना उसको सॉल्व करना और उसके बाद कैलकुलेटर से चेक कर लेना आपका आंसर सही आएगा तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये तो अपनी प्रैक्टिस की बात है कि आप कितना इस चैप्टर में महारत हासिल करना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसीलिए मैंने ये वाला सवाल भी आपको करवा दिया है यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसे सवाल आने के चांसेस है। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर फोर में करवा रहा हूं एक्सरसाइज में भी ऐसा एक सवाल है वो वाला आप ट्राई करना लेकिन समझ लो कैसे इसको करना है थ्योरम है लेकिन सवाल बिल्कुल अलग है सवाल क्या है पढ़िए यूजिंग बायोनोमियल थ्योरम बायोनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए क्या करना है प्रूव दैट यह साबित करो क्या साबित करो कि सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन जो होगा वो ऑलवेज लीव रिमाइंडर हमेशा वो रिमाइंडर छोड़ेगा शेष बाकी बचेगा कितना बचेगा जी वन बचेगा कब बचेगा वेन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव जब हम इसको पच्चीस से भाग करेंगे सवाल समझो पहले सवाल ये कह रहा है कि सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन ये कोई नंबर है ठीक है अगर एन के जगह हम कुछ भी रखें तो कुछ नंबर ही तो आएगा और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं पच्चीस से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा एक रिमाइंडर एक शेष एक बाकी बचेगा कैसे बचेगा समझाता हूँ अगर ये नंबर ऊपर सो होता लेट सपोज़ अगर हम इसको पच्चीस से डिवाइड करते तो पच्चीस चोक सो पूरा पूरा ये कट जाता ठीक है चार बार लेकिन अगर ये नंबर होता कुछ एक सौ एक फिर हम इसको पच्चीस से डिवाइड करते तो ये कैसे आता ये इस तरीके से आता पच्चीस चोक सो और एक रिमाइंडर बच जाता अलग से तो ऐसा ही कोई नंबर है ये जैसा 101 है इसके जैसा ही कुछ हो सकता है हमें नहीं पता क्या है कुछ हो सकता है तो ये हमें साबित करना है कि ये जो सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन हमेशा एक रिमाइंडर बचाता है जब इसको हम 25 से भाग करते हैं तो इतनी बात समझ में आई आई मतलब समझो इसका इसका मतलब है कि सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन जो है वो कैसा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि पच्चीस से तो कुछ बार कुछ बार तीन बार चार बार पांच बार पूरा पूरा जा रहा होगा है ना अब वो कितनी बार जा रहा है हमें ये भी नहीं पता तो हम क्या करें उस ना पता होने वाले बार को हम के माने या कैसे उसको रिप्रेजेंट करें लेट सपोज हमने क्या रिप्रेजेंट करा इसको हमने ऐसे मतलब इसको मैं दोबारा से इसको सामने लिखता हूँ ताकि तो आपको क्लियर रहे सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे ट्वेंटी फाइव के मतलब इतनी बार तो ये पूरा पूरा कटेगा जैसा पच्चीस चौक सो पूरा पूरा चार बार कट गया लेकिन अब यहाँ पे हमें वो बार नहीं पता कि ये कितनी बार जाएगा तो उसी की जगह हमने k लिखा कि इतनी बार पूरा पूरा करिया और उसके बाद एक रिमाइंडर बचेगा मतलब 6 की पावर n माइनस 5 n इसके बराबर है किसके 25 k प्लस 1 के k समझ में आ गया मैंने क्यों लिखा कितनी बार उसके लिए लिखा मैंने कि अब ये इसके बराबर है इतनी बात समझ में आती है ठीक है यही बात यहां पर भी लिखी हुई है कि इसको हमने इसके बराबर कंसिडर कर लिया है वेयर के इज सम नेचुरल नंबर के के जहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है एक दो तीन चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है नंबर ठीक है जी अब क्या करें अब बाइनोमियल थ्योरम कैसे लाएं इसके अंदर समझिए देखिए यहाँ पर है 6 की पावर एन 6 की पावर एन वो बाइनोमियल थ्योरम भी ऐसे ही किसी नंबर में लगेगी ठीक है जी सिक्स की पावर एन जो है यहाँ पर पावर एन है ना अब जिसकी कुछ पावर होगी उसी में तो बाइनोमियल थ्योरम लगती है इसमें लगेगी लेकिन इसमें कैसे लगाएं उसके लिए तो हमें बाइनोमियल के लिए तो बाय दो टर्म चाहिए दो पद चाहिए तो इस सिक्स तो सिक्स को हम दो पदों में दो टर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे चेंज करेंगे कैसे इस सिक्स को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस फाइव ऐसे लिख सकता हूँ ना बिल्कुल लिख सकता हूँ एक पाँचों ही तो होते हैं तो छः को मैंने थोड़ा खोल के लिख दिया वन प्लस फाइव की पावर एन और इस तरीके से ये बायनोमियल थ्योरम के लगने के लिए तैयार हो गया है ठीक है जी इस तरीके से ये इस शक्ल में आ गया तो अब हम इस पर थ्योरम लगा सकते हैं वो चीज यहां करी गई है देखिए वन प्लस फाइव की पावर एन क्योंकि इसके अंदर हम थ्योरम अच्छे से लगा पाएंगे या थ्योरम आपकी लिखी हुई है वो सी जीरो वन सी जीरो इस तरीके से यहाँ पे थ्योरम लगा दी गई अब ये आपका ए है या आपका बी है एन सी जीरो वन वन यहाँ पे लिखा ही नहीं क्योंकि वन को लिखने की ज़रूरत नहीं प्लस एन सी वन फाइव ठीक है यहाँ पर वो आ गया इस तरीके से ये चलती चली जाएगी अब वन की पावर जो भी है कम होती चली जाती हैं इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी थ्योरम जो है वो लग चुकी है या अब देखिए समझिए इसकी जगह तो ये था ठीक है जी तो इसकी जगह वापस से हमने ये लिख दिया कोई बात नहीं अब यहाँ पर इसको थ्योरम को खोलना स्टार्ट कराया एन सी जीरो की वैल्यू वन आएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइव एन आएगी इसकी वैल्यू फाइव का स्क्वायर इंटू एन सी टू आएगी इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ आती चली गई अब देखिए क्या करा अब ये किया गया कि ये जो प्लस का फाइव एन था इसको उठा के इधर ले आए तो ये क्या हो गया माइनस का फाइव एन हो गया तो सिक्स एन यहाँ पे सिक्स की पावर है और माइनस का फाइव एन ये हो गया यहाँ पे ये वन रह गया और प्लस का ये सारा का सारा जो बात का था ये वाला एज इट इज उठ के आ गया है अब अब क्या अब इसके अंदर क्या किया गया देखिए फाइव स्क्वायर है इसमें फाइव की क्यूब है ऐसे ही फाइव की पावर फोर फाइव तो सब में फाइव स्क्वायर तो कॉमन रहा होगा तो क्या किया गया कि ये फाइव स्क्वायर कॉमन निकाल लिया गया इस तरीके से एन सी टू अकेला रह गया ये पाँच पाँच का क्यूब था फाइव स्क्वायर बाहर आया तो खाली पाँच रह गया इस तरीके से आगे कहानी बढ़ती चली गई अब ऐसा हमने क्या क्यों किया बताता हूँ देखिए अब पाँच का स्क्वायर खोला अगले स्टेप में वो पच्चीस हो गया इधर हमने कुछ भी नहीं कहा इट इज चल रहा है और इधर हमारे पास ये कहानी अलग से चल रही है आप समझिए बात को बात को क्या समझिए देखिए ये जो ये सारी कहानी है ये वाली ये कुछ ना कुछ यहां पर इसकी जगह क्या रखें इसकी जगह हम रखेंगे के मतलब इस पूरे को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि के क्या है कि एनी नेचुरल नंबर के के जगह कुछ भी नंबर आ सकता है इसको सॉल्व करके भी कुछ नंबर ही आ सकता है जब हम एन की जगह कुछ रख के सॉल्व करेंगे सब कॉम्बिनेशन खोलेंगे तो कुछ नंबर ही आएगा और नंबर को हम के से डिनोट कर रहे हैं तो इस पूरे इतने बड़े की जगह आ गया के तो ये क्या बचा वन प्लस ट्वेंटी फाइव के ये ट्वेंटी फाइव के प्लस वन ए की बात है ऐसे लिख दो वैसे लिख दो प्लस में दोनों लिख सकते हैं तो ये इसके बराबर आ गया सिक्स की पावर एन माइनस ट्वेंटी फाइव के और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये नंबर जो है जब 25 से डिवाइड होगा तो क्या होगा इस तरीके से वन हमेशा रिमाइंडर में छोड़ेगा तो भैया ट्वेंटी फाइव के इतनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया और जो है है अलग से से वो रिमाइंडर बच गया तो तो ये ये बात से प्रूफ हो गई दिस शोज देट ये दिखाता है कि जब इसको हम पच्चीस तो छोड़ेगा तो इस तरीके से इन सवालों को करना होता है ऐसे ही आपकी बुक का भी एक ऑप्शन है एक क्वेश्चन है वो वाला आप ट्राई करना उसके अंदर जो है वो क्या है यहां पे सवाल मेरे सामने लिखा हुआ भी है बल्कि कहा गया ये रहा नाइन की पावर एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन ऐसा कुछ बन रहा है तो इसके अंदर आप लगाएंगे वो क्या बाइनोमियल थ्योरम तो इसको आप कैसे वन एट कंसीडर कर लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हुए आगे लाएंगे और इस तरीके से फिर बाकी की चीज पर के लिखेंगे तो ये चीज़ भी प्रूफ आपकी हो जाएगी एक डाउट आपका और क्लियर कर दू कि इसको हम फाइव प्लस वन भी लिख सकते थे फाइव प्लस वन हमने क्यों नहीं लिया दोस्तों अगर हम फाइव प्लस वन लेते तो यहाँ पे हम अटक जाते क्यों क्योंकि फिर यहाँ पर जो है ना हमें ये वन नहीं मिल पाता और यहाँ पर ये फाइव ए इधर नहीं आ पाता क्योंकि फिर हमारे जो डिजिट्स हैं वो आगे पीछे हो जाते तो इनका स्क्वेयर भी आगे पीछे होता फिर ट्रम भी हमारे कुछ और आते तो सवाल हमारा प्रूफ नहीं हो पाता इसलिए हमने यहाँ पर वन प्लस लिया और इस सवाल में भी आप वन प्लस लेंगे तो आपका सवाल सही से सॉल्व होगा तो ये एक टाइप थी जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है उस जैसी ही तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में क्या कोशिश करी मैंने ये कोशिश करी कि आपको बायनोमियल थ्योरम का बिल्कुल गहराई में उतर कर कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ एक एक चीज़ ताकि आपके क्रिस्टल क्लियर हो वही मैंने इस वीडियो में किया है बहुत मैंने टाइम लिया है अच्छा खासा लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा सिखा दिया कि अगर कोई बच्चा मेरी ये पूरी वीडियो देख लेगा तो बायोनोमेल थ्योरम तो उसके समझ में आएगा ही आएगा बल्कि ऐसा समझ में आएगा कि वो दूसरे अपने दोस्तों को भी सिखा सकता है इतने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बायोनोमियल थ्योरम को आपको पढ़ाया है समझाया है वीडियो को प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज लाइक करें क्योंकि आपकी ही डिमांड थी आपसे ही मैंने पूछा था कि कौन सा चैप्टर चाहिए तो आपने सबसे ज्यादा वोट जो है थ्योरम को दिए थे इसीलिए मैंने ये चैप्टर आपके लिए बनाया है इसीलिए आप अपनी डिमांड मुझे बताते रहे कॉमेंट करके कि आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कौन सी क्लास का चाहिए ये सब आप मुझे बता दे रही है मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहूंगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के अंदर और अगर हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी आप फॉलो कर लीजिए बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए बने रहें डे सर के साथ जय हिंद